टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुंबई में हर साल जोरदार बारिश होती है। बारिश से तो हर साल तकलीफ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी सड़कों पर बनने वाले मौतों के गड्ढों से। इन गड्ढों की अगर बात करें, सिर्फ मुंबई की अगर बात करें, तो दर्जनों लोगों की जान चली जाती है इन गड्ढों के कारण। करोड़ों रुपए की बजट के बावजूद ये गड्ढे क्यों खत्म नहीं होते, यही कारण है। यातायात बस कार बाइक रेंग रेंग कर चल रहे हैं। मटेरियल किस तरह की यूज होते हैं सड़कों को बनाने में, जगह जगह गड्ढों को पाटने में, जो हर साल बारिश शासन प्रशासन की पोल खोल देती है। हम आपको मुंबई की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखें ये गड्ढे किस तरह से कामों के पोल खोल दिए हैं, किस तरह के घटिया काम किया जाता है। दरअसल बार बार खड्ढे भरने में ठेकेदारों का फायदा है, लेकिन हर साल इन्हीं गड्ढों की वजह से दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, सड़क बनने के बाद रखरखाव तालमेल न होने पर सड़कें खराब हो जाती हैं। पाइपलाइन, बिजली, टेलीफोन लाइन डालने के लिए सड़कें खोदी जाती हैं, उससे सड़कें जल्दी खराब हो जाती हैं। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं सरकार के पास पूरी तरह बजट नहीं होता है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है खड्ढे भरने के लिए घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।